बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं उबैद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आपको एक मज़े की चीज़ मैं आज बताता हूं, जो इससे पहले शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है, यानी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मुशीर इत्तलात के अहदे से हटा के उनकी जगह सैनिटर शिबली फराज जो हैं उनको वज़ीर इत्तलात तैनात किया है, जबकि उनके असिस्टेंट के तौर पे या मुशीर इत्तलात के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को तैनात किया है। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को चेंज किया। लेकिन इससे आगे जो पत्ता खेला है ना इमरान खान साहब ने, वो बड़ा बेहतरीन खेला है। शिबली फराज साहब बड़े एक माकूल इंसान हैं। उनके मतलब इससे पहले उनके जो वालिद थे उनका भी एक अच्छा खासा नाम है। उसके अलावा शिबली फराज साहब बड़े पुराने इमरान खान साहब के साथी हैं। सेनेट के अंदर उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। इसके अलावा मीडिया को हैंडल भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बोलना भी अच्छा आता है। एक तो उनकी तकरीरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उनके साथ जो मुशीर इत्तलात की तकरीरी है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, ये नाम ही मेरा ख्याल है काफ़ी है, ISPR के वो DG रह चुके हैं। बहुत बेहतरीन तजर्बा है उनका, मीडिया को हैंडल करने का, इंटरनेशनल लेवल पे हैंडल करने का, एक इदारे को चलाने का, इत्तलात का जो शोबा होता है उनको अच्छे तरह से पता है कि उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे मामलात मैनेज होते हैं। इस तरह उनके मीडिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। अच्छा, मीडिया चाहे जितना भी मुँह फट हो जाए, हुकूमतों को गालियाँ दे, कुछ भी करे, लेकिन एटलीस्ट फ़ौज के मामलात में ना कोई एक तरीके से सलीके से कुछ बोलता या करता है। अब आसिम सलीम बाजवा साहब ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, कमांडर सदरन कमांड रह चुके हैं। अब जब वो मीटिंग्स में बैठेंगे, इमेजिन करें ना ज़रा कि इमरान खान साहब की मीटिंग है और उसमें वो भी बैठे हुए हैं, या इसके अलावा सहाफ़ियों से मीटिंग है और उसमें आसिम सलीम बाजवा बैठे हुए हैं, तो सहाफ़ियों का क्या किरदार हो सकता है? क्या सहाफ़ी उनके होते हुए वो सारा रवैया कर सकते हैं जो वो इससे पहले कर रहे थे? या वो झूठी खबरें कि अब तो डायरेक्टली आसिम सलीम बाजवा साहब डील कर रहे हैं, उनको तो इनकी एक एक चीज़ पता है कि मीडिया क्या है, कैसे काम करता है। ज़ाहिर है जिस पोस्ट पे वो रहे हैं वहाँ तो उनके पास बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो अब जब वो बैठेंगे मीटिंग्स के अंदर इलेक्टेड मेम्बरान के साथ, मीडिया को डील करेंगे, फिर सबसे मज़े की चीज़ तब होगी जब 18वीं तरमीम का मामला आएगा और आसिम सलीम बाजवा साहब बैठ के मीडिया पे 18वीं तरमीम के बारे में बता रहे होंगे कि जी उसमें गवर्नमेंट क्या रिविज़िट करके या क्या तब्दीलियां करना चाह रही है, या उसमें क्या लकूनाज हैं, क्या झोल हैं जिनको तब्दील करना है। फिर इसके अलावा जो कारकर्दगी सूबों की मॉनिटर होगी उसमें भी आसिम सलीम बाजवा साहब साथ होंगे, उन्हें हर चीज़ जो है डायरेक्टली पता लग रही होगी, उस पर वो खुद मीडिया पर आके लोगों को बता रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा या शिबली फराज साहिबा के मुँह से निकली हुई बात, इसके मुकाबले में आप आसिम सलीम बाजवा साहब के मुंह से निकली हुई बात, इन दोनों में डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस हो सकता है, कि लोग आसिम सलीम बाजवा की बात को किस तरह से लेंगे और मीडिया किस तरह से लेगा, और ये जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या दूसरी पार्टियां हैं, वो उसको किस तरह से लेंगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने ये एक बेहतरीन मूव खेली है, मैं समझता हूँ अब तक की सबसे बेहतरीन मूव शायद यही है कि रिटायर्ड फौजी जर्नैल हैं, उनको उन्होंने बड़ा बेहतरीन ओहदा दिया है, वो जिस पर वो काम कर चुके हैं। कोई इररेलीवेंट भी नहीं है कि कोई एतराज़ करे कि जी इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। बज़ाहिर तो देखने में ये बड़ी सादा सी एक तकरीरी है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ख़ास भी तकरीरी है, लेकिन मैं इसको थोड़े और एंगल से देख रहा हूँ। वो इस तरह से कि इस वक्त मुल्क में एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, इसके अलावा बहुत सारे पोलिटिकल मसले भी हैं, लेकिन एक मसला जो है वो सबसे बड़ा, जो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है, वो है 18वीं तरमीम वाला मसला। 18वीं तरमीम 2010 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिल के पास की थी। इसके तहत किया कुछ यूं था कि सूबों को इख्तियारात बांट दिए गए थे, जैसे कि सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, सयाहत का निज़ाम, इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जो सूबों को दे दिए गए थे। अच्छा, इसके बाद होता ये है कि वफाक जो है जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से 57% से ज़ायद जो टैक्स होता है वो सूबों में बांट देता है। वो चंद अरब रुपए की अमाउंट नहीं है बल्कि सैकड़ों अरब की अमाउंट है जो हर साल जो है वफाक सूबों को जारी करता है। इस साल एक रफ सा अंदाज़ा है कि जो NFC का जो अब 9th अवार्ड चल रहा है उसके तहत वफाक पंजाब को तकरीबन 1.6 trillion तक जो देगा, इसी तरह जो सिंध है उसको भी तकरीबन 1 trillion तक मिलेगा। तो ये 10 सालों के अंदर सूबों को वफाक बे इंतहा पैसे दे चुका है।
पंजाब के अंदर ये होता रहा है कि जो जितना बजट होता था वो लाहौर पे लगता था, इसी तरह जो सिंध का बजट था तो वो कराची पे भी नहीं लगा, सिंध के अंदर भी कहीं पे नहीं लगा, जैसे कि लाड़काना के अंदर 90 अरब लगने की बातें होती थी। इसके अलावा कराची की सूरत हाल वो भी आपको पता है कि क्या है। अब कराची बड़ी बदतरीन सिचुएशन से गुजरा है। कुछ अरसा पहले तक तो इस कदर शोर मचता था मीडिया पे भी कि लोग कहते थे कि जी कराची जो है उसको शायद किसी की बददुआ है कि सिंध की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी, इस दफ़ा तीसरा टर्म उनका चल रहा है, यानी लगातार उनको 12 साल हो गए हैं, लेकिन कराची के लोग जो थे वो बड़ी एक माइजरेबल सिचुएशन में वहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा जो अंदरून सिंध है उसकी सिचुएशन भी बड़ी अजीब है। तो वफाक ने अब ये फैसला किया है कि 18वीं तरमीम जो है इसको रिविज़िट किया जाए। अच्छा, इसके रिविज़िट करने के पीछे क्या रीज़न है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले एक छोटी सी चीज़, ये अदील वडैच साहब इस्लामाबाद से एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में भी ये बात बताई है कि 18वीं तरमीम से बज़ाहिर यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इसलिए पास की कि पता नहीं कल को दोबारा से हमारी वफाक में हुकूमत आए या ना आए। तो पंजाब जो है मुस्लिम लीग नून को लगता था कि पंजाब में हमारी बादशाहत रहेगी, जिस तरह से इनका एक तरीक़ेकार है, इसी तरह सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, 12 साल तो हो चुके हैं, तो उनको जो लगता था कि जी सिंध तो कम से कम हमारे पास रहेगा तो वो उनको सही लगता था। अब सिंध का जो बजट होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, NFC अवार्ड से जो उनको पैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें वो इन्जॉय कर रहे हैं, जो उनका दिल करे, सफ़ेद करें, काला करें। जैसे कि मलिक रियाज ने कराची में बैरियर टाउन बनाने का सोचा तो इन्होंने मलीर वाली ज़मीन उनको कोड़ियों के भाव दे दी, जबकि उसके बदले एक सरकारी ज़मीन जो इनके साथ एक्सचेंज की मलिक रियाज साहब ने, वो मतलब बहुत ही चीप किस्म की, बहुत सस्ती किस्म की ज़मीन थी, जिसके बदले ये इनसे ले ली और बैरियर टाउन बना। खैर, उसमें शेयर्स भी मिले पीपल्स पार्टी के लोगों को, इनके लीडरान को। अब इन लोगों ने 18वीं तरमीम के सर पर बहुत सारी इन्जॉयमेंट की है हुकूमतों में, पंजाब में इन्होंने की, शरीफों ने, और सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा, जब कभी भी किसी ने बात की कि 18वीं तरमीम जो है इसको रिविज़िट किया जाना चाहिए या इसको चेंज किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से वफाक को बड़ा नुकसान हो रहा है, जो शेयर है पैसों का, जो टैक्स के पैसे जो आवाम से इकट्ठे होते हैं उसका शेयर जो है वो इरेशनल है। अच्छा, अब दोबारा से जब ये बात स्टार्ट हुई है, शाह महमूद कुरैशी ने जैसे कहा है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेस पे एक रैशनल तरीके से हमें 18वीं तरमीम को रिविज़िट करना होगा, इस पे हमें अपोजिशन से बात करनी है ताकि जो माली शेयर है इसको किसी रैशनल तरीके से सेट किया जाए कि सूबों को जो पैसे मिलें या उनको जो पैसे मिलते रहे हैं उसको चेक किया जाए कि वो लगते भी रहे हैं कि नहीं और कहाँ लगे हैं। सूबों को अगर ज़िम्मेदारी दी गई तो उनकी कारकर्दगी कैसी है, जैसे कि तालीम का निज़ाम आप देख लें तो सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है कि लाखों टीचर्स बोगस निकले, ये मीडिया की रिपोर्ट्स थी। फिर इसके अलावा उनका जो हेल्थ का निज़ाम है, आप उससे अंदाज़ा करें कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो बात सामने आई है कि सिंध के पास 150 सिर्फ वेंटिलेटर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे ने क्या किया है, अपनी आवाम के लिए क्या किया है। लेकिन जैसे ही वफाक ने ये बात की, असद उमर साहब ने बात की, तो इन लोगों ने वो जो शोर मचाना शुरू कर दिया। शहरी रहमान साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है कि ना तो हम इस पे हुकूमत से बात करेंगे और ना ही ऐसा सोचें, यानी इसको छेड़े ही नहीं, जैसे कि नाउज़ बिल्ला ये कोई कुरान हदीस है कि आप इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, इसको छेड़ भी नहीं सकते, इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब 18वीं तरमीम ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई। बिलावल ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है, बल्कि BBC को जो इंटरव्यू दिया उसमें, मैं तो जब वो इंटरव्यू देखा तो मुझे तो बड़े मज़ा का खेस उनके जवाब लगे जो उनसे सवालात हो रहे थे। वैसे मैं समझता हूँ कि BBC भी जो प्लांटेड शो करता है, ऐसा कोई सवाल नहीं, बल्कि एक सवाल उन्होंने किया कि जी 18वीं तरमीम पे वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि सूबों को जब इख्तियार दिए गए हैं तो सेहत और ये सारे मामलात जो हैं ये सूबों ने खुद देखने हैं, तो आप इस पर क्या कहते हैं। तो बिलावल साहब ने आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि जी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नेशनल लीडर है, पैंडमिक सिचुएशन है, तो अब इस पर जो है उनको एक लीडर के तौर पर देखना चाहिए, अकेला कोई सूबा कुछ नहीं कर सकता। बजाय ये कि मुझे जवाब देते कि जी ठीक है, सूबा होने के नाते 18वीं तरमीम के तहत जो हमें इख्तियारात मिले, हमने ये बहुत सारे जो है लैंडमार्क अचीव कर लिए हैं कि हमने हेल्थ के अंदर इतना कुछ कर दिया है, फिर वही इल्ज़ाम कि जी हमसे अस्पताल लेने की बारी, इनको 18वीं तरमीम याद नहीं आती, और अब जब पेंडेमिक की सिचुएशन आई है तो ये कह रहे हैं जी 18वीं तरमीम। तो खैर, मेरा मुद्दा ये था कि आपको समझाना कि आसिम सलीम बाजवा की तैनाती किस कदर
अहमियत की हामिल है या इमरान खान साहब ने यह पत्ता किस कदर खूबसूरती से खेला है, हालांकि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि यह होने वाला है। लोगों के जहन में शहबाज गिल चल रहा था या इसके अलावा कुछ और नाम थे कि जी शायद इन लोगों को जो है ना वजारत इत्तलात पे लाया जाएगा, तो मीडिया को भी था कि जी इन लोगों से डील करना बड़ा आसान होता है। ज़ाहिर है सियासतदान और चीज़ है, और जो जिसका बैकग्राउंड या जिसका कैरियर आर्मी से है और वो भी जर्नल लेवल का है और वो पहले से मीडिया को डील कर चुका है, इनकी एक एक तरीक़ा वारदात को जानता है, यहाँ तक के सियासतदानों के तरीक़ा वारदात को जानता है, और फिर उसकी इंटेग्रिटी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटेग्रिटी, जो इंसान की अपनी के अखलाकी ताकत होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो सियासतदान है ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन जो एक फ़ौजी है ज़ाहिर है उसने एक बहुत बड़ी पोस्ट पर काम किया है और एक बड़ी इंटेग्रल सर्विस की है, 30-32-35 साल की एक सर्विस है, दुनिया देखी है। तो अब जब आसिम सलीम साहब इस पोस्ट पर बैठे होंगे तो मुझे तो ज़ाती तौर पर बड़ा मज़ा आएगा ये चीज़ें देखने का। मैं तो अभी से इमेजिन करके मुझे तो अंदर से खुशी भी हो रही है। मुझे खुशी इसलिए नहीं हो रही कि वो फ़ौज हैं और मेरा फ़ौज से, ज़ाहिर फ़ौज हमारी अपनी है, मेरी भी है, मेरे फ़ौज से इख्तलाफात भी हैं, लेकिन वो कुछ असूली होते हैं जो हर इंसान के होने चाहिए, इख्तलाफ सब का हक है। लेकिन ये जो मज़ा आएगा कि जी जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो उनके सामने कैसे बोलेंगे, क्या सवाल जवाब होगा या उनको क्या जवाब देंगे, कैसे काउंटर करेंगे, और फिर उससे मज़ेदार चीज़ ये होगी कि मीडिया के जो एंकर्स हैं वो किस तरह से उनसे खबरें लेंगे, किस तरह से उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। जाहिर है अब टीवी प्रोग्राम्स में भी वो आएंगे, टॉक शोज़ में भी बैठेंगे, प्राइम टाइम के टॉक शोज़ में बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत सारे मामलात वो डायरेक्टली डील करेंगे। तो मेरी तरह आप भी इस चीज़ को देखने के लिए ट्यून रखें अपने टीवी भी, सोशल मीडिया को भी या यूट्यूब को भी। अब बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। मेरा ख्याल है बहुत मज़े का माहौल बनने जा रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन अपनी जगह, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन ये जो सियासी मामलात हैं, ये जो लूट मार का बाज़ार इस मुल्क में गर्म हुआ हुआ था कि सियासतदान चंद एक चीज़ों को कार्ड, वो एक मतलब कोई सिंधी कार्ड यूज़ कर रहा है, कोई कार्ड ये यूज़ करके आवाम को भड़का के इस मुल्क और इसके ख़जाने को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। अल्लाह पाक ये सारे मामलात हमारे लिए ठीक कर दे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।